prorrogada 10 seguir que hace Alaudin indica bajar nientram बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत हमने उनके जो बाजार थे वो हमने पढ़े थे, यानी कि अलाउड के लिए जो बाजार नियंत्रण थे पहला था मंडी और खाद्यान्न बाजार, मंडी व खाद्यान्न बाजार पहला कौन सा था मंडी वो खाद्यान्न बाजार, दूसरा था सराय अदालत, सराय अदालत, तीसरा बाजार था पशु पक्षियों घोड़ों दासों मवेशी, घोड़ों दासों घोड़ों दासों और मवेशी, घोड़े दासों मवेशी मवेशी पशु घोड़े दास मवेशी घोड़ा छोटा था सामान्य सामान्य बाजार। हमने पहला बाजार पढ़ने, दूसरा बाजार पढ़ने, तीसरा बाजार पढ़ने, आज हम पढ़ेंगे सामान्य बाजार, यानी उसका सामान्य बाजार कैसा है। तो आज हम यहाँ पर सामान्य बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे कि सामान्य बाजार है, सामान्य बाजार दीवान रियासत के अधीन है, हमारे पंजे का सामान्य बाजार दीवान दीवाने रियासत के अधीन, किसके अधीन था दीवाने रियासत के अधीन। इन बाजारों में बिकने वाली सामान्य वस्तुओं में मिठाइयां, मिठाइयां मिठाइयाँ, सब्जियाँ, रोटियाँ, रोटियाँ, कंघी, चप्पल, जूता, कंघियाँ, चप्पल, जूता, बर्तन, सुपारी, बर्तन सुपारी, पान रंग मिट्टी के बर्तन, पान रंग मिट्टी के बर्तन, के मूल्य निश्चित किए गए, मूल्य निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर हुआ, मूल्य निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर हुआ, अलाउद्दीन के बजाय वे मूल्य इस बात को लेकर महत्वपूर्ण नहीं कि इससे वस्तु सस्ती हो या सस्ती हो गई, बल्कि इस बात से बाजार की वस्तुओं की कीमत निश्चित हो गई। अलाउद्दीन किस बाजार व्यवस्था से संबंध सबसे अधिक लाभ सैनिक वर्ग को हुआ, लेनपुर में अलाउद्दीन के महान राजनीति का शासन था, लेनपुर में
ने अलाउद्दीन खिलजी को महान अर्थशास्त्री कहा। अलाउद्दीन खिलजी को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री लेनपुर ने अलाउद्दीन खिलजी को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री बना। अब बात ये होती है दंड व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी की दंड व्यवस्था, जिनकी दंड व्यवस्था क्या है, दंड व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर है। अलाउद्दीन खिलजी की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, उनके जो नियम थे वो बड़े कठोर। दोषी व्यापारियों को सहाने मंडी के कोड़े से पकड़वा देते, दोषी व्यापार को सहाने मंडी कोड़ों से पकड़वा देते। सहाना सैनिकों के साथ बाजार में घूमता रहता था। कम तौर व्यापारियों को सारे यातनाएं दी जाती थी, यानी कि जो व्यक्ति कम तोलता था, कम तोलता था तो उस व्यक्ति के शरीर में से उतना ही मांस निकलवा लेता था, यानी कम तोलता था वो व्यापारी उसके शरीर में से उतना ही मांस निकलवा लेता था। तो इस प्रकार कोई भी व्यापारी को कम तोलने की आदत, उनके बाद तराजू समय समय पर उनको चेक करते थे, यानी कोई व्यक्ति काला बाजार तो नहीं कर रहा है, इनकी दंड व्यवस्था उनकी कठोर थी। अलाउद्दीन इसकी जांच करवाता था। एक बार मंडी से आना मकबूल ने अनाज की कीमत 1/2 लीटर वृद्धि की प्रार्थना की, तो सुल्तान उस पर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसे सहाना को 20 कोड़े लगाए। अलाउद्दीन किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं करना चाहता था। अब यानी कि अलाउद्दीन किसी वस्तु को मूल्य वृद्धि नहीं करना चाहता था, इसके बारे में जो समीक्षा है वो क्या समीक्षा है इसके बारे में और थोड़ा देख लीजिए। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की समीक्षा, बर्नी का वर्णन से जब प्रतीत होता है केवल दिल्ली के आसपास क्षेत्रों का वर्णन करना है। फरिश्ता के वर्णन से प्रतीत होता है कि आदेश सारे साम्राज्य में लागू, फरिश्ता तो कहता है कि सारे साम्राज्य, फरिश्ता तो सारे साम्राज्य में बताता है। सारे साम्राज्य ने बताता है, लेकिन बर्नी क्या कहता है, दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली में इसको लागू किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर परमात्मा सर, डॉक्टर परमात्मा सर भी कहता है दिल्ली के आसपास क्षेत्र में, दिल्ली के आसपास क्षेत्र में ही इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर एम श्रीवास्तव, डॉक्टर ए एम श्रीवास्तव संपूर्ण देश में
इन नियमों को प्रचलित करना संभव है, संपूर्ण देशों में इन नियमों को प्रचलित करना संभव है, संपूर्ण देश में इन नियमों को प्रचलित करना असंभव। और आगे क्या कहते हैं, फिर भी अलाउद्दीन ने इस बात का श्रेय है कि इस कठिन समस्या को हल करने का उन्होंने कोशिश की, लेकिन कठिन परिश्रम में ऐसा संभव है, कठिन परिश्रम में भी, कठिन परिस्थितियों में भी इसको संभव करने को उन्होंने प्रयास किया, कठिन परिस्थितियों होते हुए भी कठिन समस्या को हल करने को उन्होंने प्रयत्न किया, कठिन समस्या को होते हुए भी इन प्रयत्नों को हल करने को उन्होंने प्रयास किया। डॉक्टर परमात्मा शरण का मत अलाउद्दीन की संपूर्ण बाजार व्यवस्था कृत्रिम, यानी कि डॉक्टर परमात्मा शरण आगे क्या कहते हैं, क्या कहता है कि संपूर्ण बाजार व्यवस्था, यानी कि संपूर्ण बाजार व्यवस्था एलेपूर्ण और कृत्रिम, संपूर्ण बाजार व्यवस्था अविवेकपूर्ण है, विवेकपूर्ण अविवेकपूर्ण और कृत्रिम है, अविवेकपूर्ण और कृत्रिम, अविवेकपूर्ण और कृत्रिम, ये कौन कहता है, डॉक्टर परमात्मा, यानी कि उन्होंने जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी वो अनेक गुणों के अधिक रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं, जब तक अलाउद्दीन जीवित रहा इन मूल्यों में तनिक भी वृद्धि नहीं। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना कहता है, जब तक अलाउद्दीन जीवित था, जब तक अलाउद्दीन जीवित था, जब तक अलाउद्दीन जीवित था, तब तक बाजार में तनिक भी वृद्धि नहीं, जब तक अलाउद्दीन जीवित था तो बाजार में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई, चाहे वर्षा हो या नहीं, चाहे वर्षा हो या न हो, बर्नियर आधुनिक बाजार नियंत्रण की प्रशंसा करते हुए लिखता है, अलाउद्दीन के युग का सबसे बड़ा चमत्कार वस्तुओं के मूल्य का निर्णय। बर्नियर क्या कहता है, बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन युग का सबसे बड़ा चमत्कार अलाउद्दीन के युग का सबसे बड़ा चमत्कार अलाउद्दीन युग के
अलाउद्दीन जी का सबसे बड़ा चमत्कार वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण, वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण करना। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो बाजार नियंत्रण नीति थी आज हमारी यहीं पर पूरी होती है। इसके अलावा जो अपना अगला टॉपिक है वो अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत क्या क्या कार्य, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, कल इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक व्यवस्था, तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व नीति, राजस्व नीति के अंदर मुस्लिम माफीदार है, हिंदू जमीदार है, दुराजस्व वृत्ति है, राजस्व संग्रह है, दीवाने मुस्तराज है, वेतन वृत्ति है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और इसके अतिरिक्त अतिरिक्त कर था पशुओं से जागा समाप्त करना, जागीरों की समाप्ति करना और सैनिकों के सुधार है, स्थायी सेना, हुरिया, दाग प्रणाली, नकद वेतन, बाजार नियंत्रण, दुर्गों का निर्माण, ये उसके बारे में अपन कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उन लोगों ने क्या क्या सुधार किए थे, ठीक है।